बच्चों सुप्रभात। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। आपको पता है ये क्या है? ये एक स्नेक है। इसको क्या कहते हैं? घोंगा। क्या कहते हैं इसको? घोंगा। आज मैं आपको एक घोंगे की कहानी सुनाने वाली हूँ। सुनोगे आप? ध्यान से सुनना, ठीक है? और एक बार एक घोंगा था, उसका नाम था गोलू। उसका क्या नाम था? गोलू। ये देखो एक घोंगा है। और एक बार ये जो गोलू था ये बगीचे में रहता था। गोलू कहाँ रहता था? बगीचे में। और वहाँ पर क्या खाता था? पत्तियाँ खाता था, फल फूल पत्तियाँ ये सब खाता था और वहीं रहता था। एक बार बारिश नहीं हुई और बगीचा सूख गया, तो गोलू वहाँ से, क्योंकि उसको खाने को नहीं मिल रहा था, तो उसने सोचा कि अब यहाँ से कहीं और दूर जाया जाए। तो गोलू वहाँ से चल पड़ा कहीं और, एक और उसकी खोज में, बगीचे की खोज में, जहाँ पर वो पत्तियाँ खा सके। इधर उधर घूमते घूमते एक और बगीचे में पहुँचा। वहाँ पर उसने देखा कि दो बच्चे खेल रहे थे और बहुत सारी पत्तियाँ थी। उसने क्या किया? वहाँ से बहुत सारी पत्तियाँ खा ली। इतने में वो जो बच्चे थे, यश और अंकिता उनके नाम थे, उनकी मम्मा आई और उसने देखा कि ये पत्तियाँ किसने खा ली। वो कहती है, अरे किसने खाया इन पत्तियों को? और जो गोलू था ना, गोलू वो डर गया। डर के एकदम से पत्ती के नीचे जाके छुप गया। ऐसे ऐसे इकट्ठा सा होके पत्ते के नीचे जाके छुप गया, ठीक है? उसको बहुत डर लग रहा था। फिर उसने सोचा कि ये जगह तो मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे तो यहाँ से कहीं और चलना चाहिए। फिर वहाँ से चलने लगा, फिर एक और बाग में पहुँचा। वहाँ पर उसने देखा बहुत सारे सेब लगे हुए थे। उसका मन किया कि मैं जल्दी से सेब की पत्तियाँ खाऊं। इतने में वहाँ पर एक माली आ गया और माली की बड़ी बड़ी ऊँचे देख कर गोलू फिर से डर गया। फिर वो कहता कि ये जगह तो मेरे लिए ठीक नहीं है। गोलू फिर वहाँ से चला। वहाँ से चलते 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 एक और बगीचे में पहुँच गया। वहाँ पर एक झरना बह रहा था। ये देखो ये क्या है? झरना, पानी का झरना, ठीक है? ये ताज़ा पानी होता है ना, फ्रेश वाटर। ये देखो नीचे यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है। और यहाँ पर इसने देखा कि उसके जैसे और भी बहुत सारे घोंगे थे, एक दो तीन चार, इतने सारे घोंगे वहाँ पर। और तितलियाँ थी, फूल थे, पेड़ पौधे, बहुत सुंदर दृश्य था। और उसने सोचा कि वाह, ये तो मेरी बहुत अच्छी जगह मिल गई मुझे, यही मेरी सबसे न्यारी जगह है। तो गोलू ने क्या किया? गोलू ने कहा कि अब मैं अपने मित्रों के साथ यहीं पे रहूँगा, इसी न्यारी जगह पर। और गोलू खुशी खुशी वहाँ पर रहने लग गया, ठीक है? तो बच्चों आपको कैसी लगी ये कहानी?